डॉक्टर को बुला जल्दी। एक मिनट एक मिनट, पहले हम नमस्कार करेंगे। यहाँ भाभी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया और आपको नमस्कार की पड़ी है? कोल तुम घबराओ मत, डॉक्टर बहुत जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले मयूरी की दीदी को रूम में लेकर चलिए, चलिए। हाँ हाँ चलो, आ जाओ जाओ। अरे कभी आना। इनके दोनों हाथों में चोट लगी है। अच्छा। शुक्र है फ्रैक्चर नहीं, लेकिन कम से कम 15 दिन लगेंगे ठीक होने में। मैंने दवाइयां लिख दी हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कोई काम ना करे जिससे इनके हाथों पर जोर पड़े। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। हरिओम। घबराओ नहीं कोयल, वक्त लगता है लेकिन यार्ड में हर गाड़ी ठीक हो ही जाती है। बहुत दर्द हो रहा है। पर दर्द तो हो गई बेटा, क्या जरूरत क्या थी तुझे स्टूल पे खड़े होकर डांस करने की? मास्टर जी, आपको किस बात की टेंशन है? चोट तो कोयल को लगी है मास्टर जी, आपको क्या हुआ? हम सोच रहे हैं कि इनके दोनों हाथ में तो प्लास्टर बंधा है, तो ये नमस्कार कैसे करेंगी? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा कोयल, तेरा काम गाना गाना है, तू गाना ही गाया कर, चाहे स्टूल पे खड़े होके गाए और चाहे पलंग पे खड़े होके गाए। ये मयूरी है, इसका काम डांस करना है बेटा, जिसका काम उसी को साजे। और करे तो ठन ठन बाजे, पिछले महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा। वाह क्या याददाश्त है बेटा। थैंक यू बाबूजी। पिछले महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा। बेटा इस मुहावरे का मतलब क्या है, जरा ये भी तो बता। हरिओम हरिओम। सारा ध्यान हफ्ते और महीने याद करने पे है, मुहावरे के मतलब पे नहीं है। वही बात हो गई, गुलगुले से दोस्ती, गुड़ से बैर। 6 महीने। बेटा इसे समझा कुछ। अरे कहाँ बाबूजी, मुझे तो दवाइयां लेने जाना है। दियो, मैं तो चला। अरे बाबूजी। मयूरी प्लीज मुझे माफ कर दो, जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी, उसी वक्त मेरे साथ यह हादसा हो गया। ऐसा मत कहो दीदी, इस वक्त मयूरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो घर की देखभाल के साथ साथ आपकी भी देखभाल करे। मयूरी इस कॉम्पिटिशन से अपना नाम वापस ले लेगी। नहीं ना ना मयूरी, ना मयूरी ऐसा मत बोलो। देखो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, मैं ना तुम्हें अच्छा फैसला करने की एक तरकीब बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। आइए पहले हम नमस्कार करेंगे। नहीं 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 मास्टर जी, खुश तो मैं और नमस्कार नहीं कर सकता, मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं। डॉट 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 डॉट। मैं भाभी के हाथ की सिकाई के लिए तेल गर्म करके लाता हूँ। डॉट डॉट डॉट। कपी तू कर। मास्टर जी नमस्कार हम बाद में कर लेंगे, पहले आप आइडिया बताइए ना। हाँ बताइए। हाँ देखो मयूरी, तुम घर का सारा काम धाम करते करते उसमें जो समय मिले ना, उसमें तुम डांस प्रैक्टिस कर सकती हो। एक दो तीन चरधा, एक दो तीन चरधा, एक दो तीन चरधा, दिन दिन ना ना दिन दिन ना। और तुम्हें डांस सीखने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। धा 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 धा। हाँ मयूरी मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे। देखो मयूरी तुम इस कॉम्पिटिशन से अपना नाम वापस नहीं लोगी, अगर तुमने लिया तो सारी जिंदगी मुझे यही गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से तुमने इतना बड़ा मौका गवा दिया। और बात मेरी नहीं बाबूजी की, तुम बाबूजी के बारे में सोचो, उन्हें कितनी उम्मीदें हैं तुमसे, है ना? दीदी मयूरी तुम्हारी और बाबूजी के दिल की बात समझ गई। दीदी तुम चिंता मत करो, अब मयूरी घर का काम भी संभालेगी और बचे हुए समय में डांस प्रैक्टिस भी कर लेगी। इस बात पर आइए
हम सब मिलकर के नमस्कार करेंगे। नहीं नहीं मास्टर जी, टूटे हुए हाथ के साथ नमस्कार कैसे हो सकता है? आप कह रही है तो ठीक है, इसलिए आपको नमस्कार करने की माफी है। तो आइए सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन। मास्टर जी आइए, पहले हम नमस्कार करेंगे। अबे अबे तू ये मास्टर जी की तरह पैरों में घूंघरू बांधकर मेरी अपनी क्यों टेंशन टाइट कर रहा है? क्या ये सब? कपी भैया, मयूरी भाभी कह रही थी कि अगर वो डांस कंपटीशन जीत जाएंगी तो बाबूजी बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए हम भी डांस कंपटीशन जीत के बाबूजी को खुश कर देंगे। बेटा आराम से, ये डांस कंपटीशन हो रहा है, ये गधा पंथी और मेढक पंथी का कंपटीशन नहीं हो रहा कि तू जीत जाएगा। उसके लिए तुझे डांस सीखना होगा। ठीक है कपी भैया, हम आज से ही डांस सीखेंगे छोटे मास्टर जी से। आओ पहले हम नमस्कार करेंगे। ए, छोटे मास्टर जी बहुत बड़े डांसर हैं, पता है? वो किसी को इतनी आसानी से डांस नहीं सिखाते। हाँ अगर तू उनसे डांस सीखना चाहता है तो तुझे उन्हें खुश करना होगा। कपी भैया आपको पता है कि किसी को कैसे खुश करते? वैसे किसी को खुश करना तेरे लिए बहुत टेंशन टाइट काम है, ये तो मुझे पता है। हाँ लेकिन एक तरीका है, तो वो तरीका अपना जब तूने कभी किसी को खुश किया हो, तो वो तरीका अपना ले, मास्टर जी खुश हो जाएंगे। सोच तरीका सोच। तदिन ततक तिन ततिन ता धिन तदिन ततक तिन ततिन ता धिन तदिन ततक तिन ततिन ता इससे कुछ भी पूछने से पहले क्या हम नमस्कार करेंगे? नहीं वो लगता है मैं भूल गया। हाँ तुम मुझे ये बताओ कि क्या आज होली का त्योहार है? नहीं तो मास्टर जी, ना ही आज कोई हॉलीडे है और ना ही होली का डे है। मास्टर जी, अबे तूने मास्टर जी पे गुलाल कैसे डाला? अबे तूने मेरे ऊपर गुलाल क्यों डाला? भैया अभी आपने तो पूछा कि तूने मास्टर जी पे कैसे गुलाल डाला, तो हमने बता दिया। मेंढक प्रसाद, मयूरी का मतलब है तूने ये गुलाल क्यों डाला? मयूरी भाभी, कपी भैया ने कहा था कि अगर हम मास्टर जी को खुश करेंगे तो मास्टर जी ना हमें डांस सिखाएंगे। अबे यार ये कौन सा तरीका किसी को खुश करने का? मैंने नहीं कहा था। भैया लगता है आप भूल गए, याद करिए, याद है होली के दिन हमने आप पे और मेमना जी पे गुलाल डाला था, तो आप कितने खुश हुए थे और हमें एक दर्जन केले खिलाए थे, एक दर्जन। अबे होली वाले दिन तू किसी पे भी गुलाल डालेगा, कोई भी खुश होगा यार। मैं कौन से खेत की मूली हूँ? टू मच यार, हद हो गई। मतलब रुक जा कपिता बंदर,
सब कुछ तेरे कारण हुआ। मयूरी तुझे नहीं छोड़ेगी। अरे मेरे होली खेलने का थोड़ी कहा था, मैंने कहा तरीका बता दे उसको। छोड़ो रे तुझे मैं। सॉरी मास्टर जी, आप टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, हम चलिए डांस प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ मयूरी आओ, पहले हम नमस्कार करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात मयूरी, मेरी हिंदी की किताब कहाँ रखी है? मिल नहीं रही है। डॉट 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 मयूरी अभी टेंशन टाइट हो गई है। शुरू करते हैं मास्टर जी। नमस्कार के बाद से शुरू करते हैं मास्टर जी। मयूरी भाभी जरा इधर आना। चलिए मास्टर जी शुरू करते हैं। मयूरी इस बार तो तुम्हें किसी ने बुलाया ही नहीं। मास्टर जी दरअसल मयूरी को याद आ गया कि दीदी को दवाई देने का टाइम हो गया है। एक मिनट मास्टर जी। मास्टर जी कहाँ चले गए? लगता है नाराज होकर चले गए। घोटक, गोमुख, कपि, मेंढक, कितने आदमी हैं घर में? दो बाबूजी। बेटा फिल्मी दुनिया से बाहर आ जा, चिड़िया घर में बता कितने आदमी हैं? पांच आदमी बाबूजी। पांच? पांच घर में पांच आदमी हैं, मगर फिर भी एक बेचारी मयूरी अकेले काम कर रही है। बहुत नाइंसाफी है बेटा। नहीं बाबूजी, हमने कल ही डांट खाई थी। कल डांट खाई थी ना बेटा, तो आज छड़ी खा। हाथ हाथ। बहुत अच्छी हरी है। हाँ हरी लाएंगे। हाथ बहुत हंसी आ रही थी बेटा। डॉट 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 बाबूजी मैंने हाथ डॉट 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 हाथ हाथ बेटा। टीसी बाबू आपको भी बहुत हंसी आ रही थी।
आप हाथ आगे नहीं करेंगे? हाथ शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कोयल घर में बीमार पड़ी है, नागिन घर पे है नहीं, और मयूरी अपने कंपटीशन की डांस तैयारी के साथ साथ तुम सब लोगों का भी भाग भाग कर काम करती है और तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात नहीं है बाबूजी, ये सारा काम मयूरी अपनी मर्जी से कर रही है। मयूरी के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी उसका परिवार है, उसके बाद सब कुछ। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन परिवार की अपने सदस्य के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मयूरी आज से घर का कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देगी। क्या सोचा है बाबूजी आपने? बहुत अच्छा सोचा। हाँ, लेकिन बाबूजी घर के काम की टेंशन कौन टाइट करेगा? तू करेगा। यही नहीं, हम सब करेंगे। क्या? हम सब? तुम दोनों आज ही अपने ऑफिस जाओ और कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो। छुट्टी? हाँ बाबूजी, मैं एक दिन हावड़ा ना देखूं तो मुझे खाना हजम नहीं होता। और जो ये घर में तेरी जीती जागती हावड़ा पड़ी है बीमार, उसका ख्याल कौन रखेगा? तुझे लोहे की हावड़ा की पड़ी है, इसकी कुछ नहीं पड़ी। अगर ये यार्ड में चली गई ना बेटा, तो ये सोच ले कि सारी उम्र रोएगा तू। लेकिन बाबूजी, मैं स्कूल में क्या बहाना बनाऊंगा? कश्मीर। हरिओम हरिओम, शिक्षक होकर बहाने की बात कर रहा है बेटा। बहाना बनाने की जरूरत क्या है? स्कूल वालों को साफ साफ जाकर बोल दे, हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। लेकिन बाबूजी, बस जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है। आज से मयूरी की डांस की प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, समझे? बेटा आज से तू सिर्फ और सिर्फ अपनी डांस प्रैक्टिस पे ध्यान दे। मैं अभी तेरे मास्टर जी को फोन करके कल से आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू सो मच।